देखो बच्चों, आज हम चार्ज की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन क्या होता है? जो चार्ज ट्रांसफ़र होता है, जो टोटल चार्ज एक बॉडी से ट्रांसफ़र होगा, वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर। क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही तो ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो कितने संख्या में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो एक पर्टिकुलर नंबर होता है, एक संख्या होती है, और वो संख्या डेसिमल में नहीं होती। ठीक है, तो क्यू इक्वल टू होगा एन ई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हो रहे हैं और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमको पता ही है, -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ठीक है, एन यहाँ पे होल नंबर है। ठीक है, कोई नंबर होगा, काफ़ी बड़ा नंबर भी हो सकता है। ठीक, अब दूसरी बात आती है चार्ज की एडिटिविटी। देखो बच्चों, एक बॉडी है, इसके अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग चार्जेस रखे हुए हैं, कुछ पॉजिटिव चार्ज है, कुछ नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो हम जो ओवरऑल इस बॉडी पे चार्ज मानेंगे, इस बॉडी का नेट चार्ज कितना होगा, ये ओवरऑल बॉडी अगर किसी दूसरी बॉडी पे जो इम्पैक्ट शो करेगी वो किस चार्ज के अकॉर्डिंग करेगी, इन सभी चार्जेस को हम ऐड कर देते हैं इनके साइन के साथ। जो प्लस में है वो प्लस में रहेगा, जो माइनस में है वो माइनस में रहेगा, ओवरऑल जो सम आएगा वो आ गया। जैसे इसी बॉडी पे हमने जो ओवरऑल निकाला तो हमको -5 μC मिला है। इसका मतलब ये बॉडी जब दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाएगी तो नेट चार्ज कितना हम वहाँ पे कैलकुलेशन में लेंगे, -5 μC। ठीक है बच्चों, अब आती है बात तीसरे नंबर पे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखो बच्चों, जो एक न्यूट्रल बॉडी मान लेते हैं, अगर एक न्यूट्रल बॉडी पे हम चार्ज जनरेट करेंगे, ठीक है, तो चार्ज हमेशा इक्वल और अपोजिट पेयर में ही जनरेट होता है। एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन अगर लूज करेंगी तो दूसरी बॉडी पे ही जाएंगे, एक बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो दूसरी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो इक्वल और अनलाइक पेयर में ही चार्ज जनरेट होता है। ठीक है, तो जो टोटल चार्ज है बॉडी का वो पहले और बाद में सेम ही रहेगा। जैसे कि न्यूट्रल बॉडी होती है, उसका शुरू में चार्ज कितना होता है, 0। ठीक है, मान लेते हैं गामा रे हमारे पास है, गामा रे का जो इनिशियल चार्ज होता है वो 0 होता है, पर जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन में ब्रेक होती है तो इसका फाइनल चार्ज भी अगर हम कैलकुलेट करें, इन दोनों को ऐड करोगे तब भी हमको 0 ही मिलेगा। तो गामा रे का इनिशियल चार्ज और गामा रे का फाइनल चार्ज दोनों सेम ही रहेंगे, इसी को कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है बच्चों, इसी को कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।